आपके भी मन में ये विचार आता होगा कि एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग कैसे किया जाए कि लोग फर्स्ट से वॉच लास्ट तक करें, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि एक वीडियो को प्रोफेशनल एडिट किया जाए। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सिखाऊंगा कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग किया जाता है अपने एंड्रॉयड फ़ोन से, क्योंकि कुछ गैर जरूरी पार्ट होते हैं जो कि हमारे शूटिंग के वक्त हो जाते हैं तो उसे एडिटिंग के टाइम पर अलग किए जाते हैं, और कुछ चीज़ों को समझाने के लिए कुछ स्क्रीनशॉट लगाने होते हैं, ये सारे काम किए जाते हैं एक वीडियो एडिटिंग के टाइम पर। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट करना सिखाऊंगा। सो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह का कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहता है। उससे पहले मेरा नाम है घनश्याम राव, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पर। यह है काइन मास्टर एप्लीकेशन, जो कि बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है वीडियो एडिट करने के लिए। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। जब आप इसे ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा, जहां आपको वीडियो का साइज सिलेक्ट करना है। यूट्यूब के लिए 16:9 होता है, तो हम 16:9 यूट्यूब के लिए सिलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको एक वीडियो सिलेक्ट करना होगा जो आप वीडियो एडिट करना चाहते हैं। तो मैं आपको सिखाने के लिए एक वीडियो ले लेता हूं। तो मैंने यहां पर वीडियो ले लिया है। इसका मेन प्रोजेक्ट होता है ये, बीच में आपको लाइन देख रही होगी ब्लैक। इसके बाद यहां पर आता है सबसे पहले कि हमको वीडियो को कट करना है, जो लेफ्ट राइट में हमने वीडियो चालू किया था या फिर बंद किया था, तो उस वक्त गैर जरूरी पार्ट होता है। जैसे कि मुझे यहाँ से कट करना है तो इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर आपको रेजर का ऑप्शन मिलता है, इस पर जाएंगे। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है ट्रिम टू प्ले हेड, यानी कि लेफ्ट साइड कटेगा। सेकेंड में राइट साइड, तो यहाँ देखिए लेफ्ट साइड हमारा कट चुका है। इसके बाद हमें इसके राइट साइड में कट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ से कैमरा बंद किया है, तो ये हमारा गैर जरूरी पार्ट है। तो इसे हम कट करने के लिए यहाँ पर ट्रिम टू राइट ऑफ प्ले हेड सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारा राइट साइड का पार्ट जो है वो कट जाएगा। इसके बाद जैसे कि हमको बीच का पार्ट अलग करना है, जैसे कि बीच में हमारा कुछ गैर जरूरी पार्ट है जिसमें हम चुप रहे या फिर कुछ गलत बोल दिए, तो वहां पर कट करेंगे। इसके बाद जहां तक आपको वीडियो कट करना है वहां तक ले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वही रेजर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और थर्ड ऑप्शन पर स्प्लिट एट प्ले हेड पर क्लिक कर देंगे। तो ये कट हो चुका है। इसके बाद बीच के पार्ट पर हम क्लिक करेंगे, बीच के पार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको डिलीट का ऑप्शन साइड में दिख रहा होगा, तो ये डिलीट के ऑप्शन पर जाएंगे और डिलीट पर क्लिक कर देंगे। तो ये आपका डिलीट हो चुका है। इसके बाद सब चीज़ वापस करने के लिए आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करते जाएंगे तो जो जो चीज़ आप एडिट किए हैं वो सारी चीज़ वापस आ जाएंगी। इसके बाद इसे फिर से वापस करने के लिए आपको ये वाला ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद क्या करना है, इसमें हमें कोई इमेज लगाना है तो ये लेयर का ऑप्शन मिल जाता है। लेयर पर जाएंगे, मीडिया पर जाएंगे और गैलरी से कोई भी इमेज आप सिलेक्ट कर लीजिए जो आप वीडियो में अपने समझाना चाहते हैं। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए एक PNG इमेज जो कि मैं यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, तो उस पर आप गैलरी से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं एक इमेज ले लेता हूँ उदाहरण के लिए, तो ये मैंने इमेज ले ली है और इसको इस तरीके से खिसकाएंगे उंगली से पकड़ करके, और ये इस तरीके से आएगा। इसमें बहुत सारे सेटिंग के ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इन एनिमेशन, ओवरले एनिमेशन, आउट एनिमेशन, यहाँ बहुत सारे आपको मिल जाते हैं। तो जैसे इन एनिमेशन में हमको एन एनिमेशन में देखिए पॉप, लेफ्ट साइड, राइट साइड, साइड अप, साइड डाउन, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसा करना चाहें, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। जैसे मैं पॉप कर देता हूं। इसके बाद इसमें आउट एनिमेशन कैसा रखना है, इमेज जब बाहर जाएगी तो किस तरीके से जाएगी, तो मैं साइड लेफ्ट कर देता हूं, है ना। अब हम आपको इसको प्ले करके दिखा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से ये इमेज चलेगी। इसके बाद क्या करना है, इसमें आपको और भी ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि लेयर पर जाएंगे। जैसे इसमें हमको कुछ टेक्स्ट लिखना है समझाने के लिए, जो बोल रहे हैं वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर लिख करके भी दर्शा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ ना, तो यहाँ पर आप टेस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए लिख देता हूँ माय न्यू वीडियो। आप जो चाहें, जो वीडियो में समझाना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिख दिया। इसके बाद फॉन्ट पे जाएंगे, फॉन्ट पर बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं।
तो ये फॉन्ट मुझे अच्छा लगा। इसके बाद कलर पर जाएंगे तो यहाँ आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे कलर मिलते हैं, इसमें भी बहुत सारी सेटिंग मिलती है जैसे कि इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, अल्फा, ब्रांडिंग, आउटलाइन, शैडो। तो आउटलाइन पर जाएंगे, इसके चारों तरफ एक आउटलाइन बन जाएगी कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं ये आउटलाइन बन चुकी है ना। तो इस तरीके का एनिमेशन ये अच्छा लगता है। इसको पकड़ के इस तरीके से खिसका भी सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर डबल आ चुके हैं इमेज, तो इस तरीके से खिसकाएंगे तो ये इस तरफ जा सकती है। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसके बाद ओवरले पर जाएंगे, ओवरले पर जाएंगे तो यहाँ पर बहुत से इफ़ेक्ट मैंने डाउनलोड कर रखे हैं आपको, पर आपके मोबाइल में जो है वो नहीं होंगे आपके काइन मास्टर एप्लीकेशन पर। तो गेट मोर पर जाएंगे और सारे के सारे डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ये लगा दिया और इसको इस तरीके से जमा देंगे साइट में, तो ये एक स्टिकर होता है, ये जहाँ तक आपका वीडियो वहाँ तक बढ़ा दीजिए, फिर आपके ये पूरे वीडियो में ये एनिमेशन चलता रहेगा, जिससे आपका वीडियो जो है एकदम प्रोफेशनल लगने लगता है। तो ये आपके वीडियो में फुल चलता रहेगा। इसके बाद ऑप्शन आपको मिल जाता है, इसके बाद आप इसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं जो कि हल्की आवाज़ अभी मेरे वीडियो में आपको सुनाई दे रहा होगा, उसे लगाने के लिए आपको ये आइडियो का ऑप्शन मिल जाता है। तो आइडियो पर जाएंगे, अपनी गैलरी से जो नो कॉपीराइट वाला बैकग्राउंड म्यूजिक आपने डाउनलोड कर रखा है उसे लाएंगे, प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और ये बैकग्राउंड म्यूजिक यहाँ पर आ जाएगा। तो इसमें भी बहुत सारी सेटिंग्स मिलती हैं, जैसे कि वॉइस चेंजर है ना, डूप लूप, लूप टू एंड, ऐसे लूप, और ये दोनों ऑप्शन आप इनेबल कर दीजिए तो आपका जहाँ तक वीडियो है वहाँ तक बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप लग जाएगा, चाहे बैकग्राउंड म्यूजिक छोटा हो या बड़ा हो, वो अपने आप कट हो जाएगा या फिर अपने आप बढ़ जाएगा वीडियो के हिसाब से। तो बैकग्राउंड म्यूजिक की जो आवाज़ है वो लगभग 20 से 30 तक रखा जाता है, जैसे मैं इसे 17 कर देता हूँ ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी ख़राब ना हो, बैकग्राउंड म्यूजिक हल्की आवाज़ से चलता रहे। तो इस तरीके से बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया जाता है। यहीं से आप वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस ओवर कर सकते हैं, तो ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद यहाँ पर आप लेयर पर जाएंगे, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके आप कोई भी इमेज लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको देखिए बहुत सारे इफेक्ट मिलते हैं, जैसे कि तीर का निशान लगाना चाहते हैं, पेन का सिंबल लगाना चाहते हैं, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब जहाँ भी उंगली धरेंगे वो ये इस तरीके का डब्बा बन जाएगा। तो ये वीडियो को समझाने के लिए काफ़ी अच्छे इफेक्ट मिल जाते हैं काइन मास्टर एप्लीकेशन पर, जो कि आप अपने वीडियो में जो है वो लगा सकते हैं। बहुत सारे इफेक्ट मिल जाते हैं, तरह तरह के तीर का निशान, गोला, डब्बा है ना, तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। इसके बाद इसे डिलीट कर दीजिए, बस हमारा वीडियो काफ़ी प्रोफेशनल एडिट हो चुका है। इसके बाद मेन चीज़ बची है जो कि आप अपने वीडियो में कर जरूर करना चाहिए। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ वीडियो का ऑप्शन मिलता है, वीडियो का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको कैमरा की क्वालिटी लाने के लिए कलर फिल्टर पर जाइए, कोल्ड पर जाइए, कोल्ड पर जाने के बाद यहाँ CO2 पर क्लिक कर दीजिए। आपका मोबाइल से वीडियो शूट हुआ हो तो आपके कैमरे जैसे क्वालिटी आ जाएगी, आप देख सकते हैं ना कितना इफेक्ट पड़ चुका है पहले के वीडियो से और आपके वीडियो से। इसके बाद जब भी एडिट हो जाए पूरा वीडियो तो एक्सपोर्ट पर जाइए। इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान देने की बात है, आपको 1080 में ही एक्सपोर्ट करना है फुल HD में, और इसको 30 करना है। यहाँ से आप लो हाई कर सकते हैं, जितना हाई करेंगे वीडियो उतना ज़्यादा MB का बनेगा। इसके बाद एक्सपोर्ट कर दीजिए, जितना बड़ा आपका वीडियो होगा उतना टाइम एक्सपोर्ट होने में लगेगा। फिर आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाए, इसके बाद आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्रोफेशनल वीडियो एडिट किया जाता है। ऐसा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, मैं और अगली चीज़ें अगली वीडियो में बताऊंगा। सो सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।